तो नमस्ते गाइज, ये मेरी फोर्स गुरखा है और इस वक्त मैं कर्नूल के पास हूँ, जो आई थिंक एग्जैक्टली 20 मिनट्स अवे है। मेरी गाड़ी को 9200 किलोमीटर हो गए हैं। गुड़गांव से खरीदी थी मैंने रोहित ऑटो से, बेंगलोर से हैदराबाद जा रहा था और बहुत ही मेजर फॉल्ट निकली अभी गुरखा में। तो हुआ क्या है कि एकदम से इसके अंदर एक डीजल बस्ट हुआ है। अगर आप नीचे देख सकते हैं, इधर मैंने गाड़ी को यहाँ रोके हुए एक घंटा हो गया है और यहाँ से अभी भी जो है भयानक तरीके से डीजल लीक कर रहा है। और इतना बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग मेरे को ये शॉक हुआ है गाड़ी को देखकर। और पिछले एक घंटे से मैं सिर्फ कॉल्स ही कर रहा हूँ, कुरनूल, हैदराबाद, बेंगलोर, वेट कर रहा हूँ असिस्टेंस की। और जो डीजल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लीक हुआ है। और ओवर टाइम तो मैं वो नहीं बता सकता, जब मैं ड्राइव करता हुआ आ रहा था तो कितना लीक हुआ है, पूरा इस एरिया में लीक हुआ है। और इतना ज़्यादा लीक हुआ था कि ये पीछे तक आ गया है, यहाँ पर इस एरिया में भी जो है देखिए यहाँ तक छलक छलक के पूरा जो है सन गया है ये। तो मैंने किसी की वीडियो देखी थी अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर ये कोई कंटेनर होता है जहाँ से डीजल पंप किया जाता है पीछे से, जहाँ पे डीजल अपना टैंक होता है, और वहाँ से ये लीकेज होती है। मुझे तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है अभी क्या हुआ है, बट बहुत ही मेजर फॉल्ट हो गया, ब्रेकडाउन। और मैं एक्चुअली ये गाड़ी बेंगलोर से दिल्ली ले जा रहा था, यानी ये ऑलमोस्ट मेरा 2500 किलोमीटर का रन है, मगर ऑलरेडी मेरे को बेंगलोर से जो माया आपका हैदराबाद का डिस्टेंस है 550-600 किलोमीटर है, और आधे रास्ते में मेरी गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई है। मैं यहाँ पे डेढ़ घंटे से खड़ा हूँ, मेरा बहुत बेकार अनुभव है ये। और इससे पहले भी मुझे कुछ कंप्लेंट्स हुए, गाड़ी मैंने अभी रिसेंटली नवंबर लास्ट वीक गुड़गांव से रोहित ऑटो से खरीदी जैसे मैंने बताया, और मैं बहुत परेशान हूँ फोर्स गुरखा से। अभी तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यार मैंने बड़ी मिस्टेक कर ली इसको लेके, क्योंकि अगर मेरे साथ फैमिली है, मेरी मदर पीछे बैठी हैं, और अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी मेरे साथ तो लॉन्ग ड्राइव पे कैसे इस पर मैं ट्रस्ट रखूँ कि मैं जा सकता हूँ बिना किसी फॉल्ट के। तो यहाँ पे पूरा गंदी तरीके से बहुत डीजल लीक हुए जा रहा है, ये देखिए ये एरिया जो है पूरा डीजल लीक हुए जा रहा है। रोड साइड असिस्टेंस भी बहुत पुअर थी, जब मैंने टोल फ्री कस्टमर केयर पर फ़ोन किया, वही टेम्पलेटाइज्ड एक नॉन ह्यूमन फॉर्म में एक लड़की एलईडी बैठी थी, जो जिन्होंने मुझसे सारे फीडबैक और सवाल तो पूछ लिए बट कोई असिस्टेंस कुछ खास नहीं दे पाई। देर वॉज नो ह्यूमन एलिमेंट इन दैट बिकॉज आई डोंट नो वट इज़ द रीज़न। मैं बहुत ही अनहैप्पी हूँ उस प्रोडक्ट से लेके इस वक्त जो है मैं यहाँ पे। थैंकफुली रात नहीं है इतनी, बट अभी मैं देखता हूँ कि ये जो है ये मेरी गाड़ी कैसे ठीक होगी, बस मैं हैदराबाद पहुँच जाऊँ किसी तरीके से, क्योंकि आई थिंक जो बिगेस्ट मेट्रो है वही है, बिकॉज मैं ऑन रूट था, और अगर वहाँ पर इसका कुछ निवारण हो सके देखते हैं अभी क्या होता है। मैं वहाँ पे जब गाड़ी अगर ठीक हो पाएगी तो मैं उसका अगला वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।